हेलो दोस्तों, मास्टर मास्टर की इस अनसॉल्व के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि सारे पढ़ाई वाले वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और निश्चित तौर पर आप क्लास पर टॉप करने वाले हो और साथ मेरे चलो टॉप करवा के दिखाऊंगा तुमको। आज मैं टाइम लेने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र वाला पार्ट चलेगा और वहां पे आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। बहुत सारी किताबों का डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे लाया गया है, जो आप एग्जाम वगैरह में पढ़ते हो, विद्या अवतार वगैरह पढ़ते हो, सब मतलब ये तमाम किताबों को मिला करके सभी प्रश्नों का संग्रह बनाया गया है ताकि आप आसानी से उनको समझ सको और क्लास 12वीं यानी कि बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट का टॉप करो। तो कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। मित्रों यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। तो मित्रों ये है आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन, कह रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। संहति माने होता है बच्चा मास, मास मतलब क्या होता है बोलो, होता है द्रव्यमान। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं मास का अनुपात यानी कि क्या मास, यहाँ पे आपको बताना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि आपको अपान करना होगा अनुपात निकालने के लिए। आवेश क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर नेगेटिव का 19 कूलाम होता है अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है लगभग 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर नेगेटिव का 31 किलोग्राम होता है। आपको भाग करना है मित्र, भाग करोगे तो यहाँ पे लगभग बना लो 16 बनाओगे तो यहाँ पे आएगा 10 पे घात माइनस का 20 आएगा और अपान 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर नेगेटिव का 31 आएगा और आप जानते हो बेटा पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा यानी कि 16 में 9 से अगर डिवीजन करोगे तो क्या आएगा 9 वन जा 9 आएगा और पॉइंट लग जाएगा 70 बनेगा 9 6 जा मल्टीप्लाई बाय 10 पावर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -20 प्लस 31 कितना आएगा, ये आएगा 11 कूलाम पर किग्रा यानी कि बोलेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 कूलाम पर किग्रा यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या है बोलो बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे मित्रों। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं भाई। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है आप पढ़ने को पा रहे हो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता क्या होती है एप्सिलॉन नॉट, विद्युतशीलता हवा की हो सकती है एयर की या फिर वैक्यूम की। तो आप पहले फार्मूला बोलो, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है बराबर होता है के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है और K क्या है कूलम कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं सर epsilon naught को यहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा यहाँ आ जाएगा और स्क्वायर टू 1/4 pi और F को यहाँ लेके आओ और मल्टीप्लाई बाय क्या Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर बनाओ मात्रक, इसका भी कूलम इसका भी कूलम कूलम का स्क्वायर बन जाएगा प्रति यहाँ पे 4 पाई तो अंक है कोई मात्रक ना होगा। यह का होता है न्यूटन और यहाँ पे आर दूरी है, दूरी का होता है मीटर स्क्वायर यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है बोलो आपका बिल्कुल सही है, फार्मूला याद रखना और इसको जानना एप्सिलॉन नॉट क्या होता है निर्वात की या वैक्यूम निर्वात की या हवा की वैद्युतशीलता होती है। अब चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। लिखा है दो समान आवेश क्यू और क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा जाता है, मतलब कह रहा है यहाँ दो बिंदु आवेश हैं, यह भी क्यू है और यह भी क्यू है, इनके मिड वाले पॉइंट पर, मिड वाला पॉइंट कहने का पर्पज है यह भी एल होगा यह भी मान लो एल होगा, यहाँ पर एक आवेश क्यू रखा जाता है। तो बोलता है कि यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में मतलब कोई कहीं जा वा नहीं रहा है, अट्रैक्शन रिपल्शन सब कैंसिल हो जा रहा है तो कैपिटल क्यू का मान क्या होगा। इस सवाल में आपको बता दूं मैं बच्चा, पहले इनका चिन्ह जानना जरूरी होता है कि क्यू किस साइन का होगा। अगर मान लो क्यू प्लस का रख दोगे तो देखो ध्यान दे, अगर प्लस का रख दोगे तो इसको सेपरेट को ये वाला क्या करेगा इनको दूर भगाएगा और ये भी क्या करेगा बोलो दूर भगाएगा यानी कि दूर भाग जाएंगे यानी कि संतुलन में हो ही नहीं पाएगा। और ध्यान दो अगर ये रहेगा माइनस में तो इसको देखो ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे आओगे तो ये वाला दूर भगाएगा और ये वाला क्या करेगा पास बुलाएगा अट्रैक्शन करेगा ना, अरे भाई ये प्लस है प्लस है तो प्लस वाला प्लस को दूर भगाएगा और ये नेगेटिव वाला अपने पास बुलाएगा तो दोनों बल लगभग बराबर हो सकते हैं। क्या है कि ये दूरी पर है यार और ये कम दूरी पे है, मतलब कि क्या मतलब ये रिपल्शन अट्रैक्शन हो रहा है मतलब संतुलन में आ सकता है और ये अभी संतुलन में आएगा क्यों नहीं आएगा, ये वाला इनको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला इनको अपनी ओर खींचेगा यानी कि साइन क्या होगा बोलो माइनस का और इसी प्रकार ये भी संतुलन में हो जाएगा यानी कि साइन क्या होगा बोलो माइनस का होगा। तो क्या करना है आपको, हम बोले इस वाले को संतुलन में कर लो,
यह संतुलन में कब होगा? जब इसके द्वारा लगाया गया रिपल्शन फोर्स बराबर इसके द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन वाला फोर्स। तो देखो ध्यान से, लेकिन ध्यान रखना माइनस वाला होगा, यानी कि चाहे या तो यह सही होगा या तो यह सही होगा, कोई सही होगा। विचक करते हैं कौन सही होता है, तो बोलेंगे इन दोनों का जो अट्रैक्शन जो रिपल्शन फोर्स काम करेगा कि क्यू क्यू बटे इनके बीच की दूरी क्या है, बोलो एल एल टू एल, टू एल का स्क्वायर कर दो इक्वल टू, यहाँ इन दोनों का अट्रैक्शन जो इधर काम कर रहा है वो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान, ये क्या हो जाएगा इनके बीच की दूरी एल का स्क्वायर आएगा, आएगा ना, के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर इनको बढ़ाओगे आगे तो आएगा क्यू अपान फोर एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपान एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर से कट जाएगा तो क्यू की वैल्यू क्यू बाई फोर आएगी, वो भी माइनस की आएगी। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर जो फोर है आपका बच्चा बिल्कुल रही है, और आपको समझ में अगर बातें आ रही है तो आराम से देखो और आगे बढ़ो, और आपको जो भी चीजें बताई जा रही है अच्छे समझो, और हो सके तो खुद से पहले कर लिया करो। अब यहां देखो बेटा अगला वाला क्या बोलता है, अगला वाला जो बोल रहा है क्वेश्चन आपका ये अगला वाला है, बोलता है एक माइक्रो कूलाम, ध्यान देना बोला जा रहा है एक माइक्रो कूलाम तथा चार माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे गए हैं। एक माइक्रो कूलाम का रखा गया है और यहाँ पे रखा गया है चार माइक्रो कूलाम का वायु में रखा गया है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, तो आप जानते हो क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले और कूलाम का नियम, आप जानते हो एक्शन रिएक्शन है, जितना बल यह इनके ऊपर लगाएगा उतना ही बल क्या करेगा इनके ऊपर लगाएगा, जितना बल समझो बोले आपको जितना बल यह इनके ऊपर लगाएंगे उतना ही बल यह क्या करेंगे इनके ऊपर लगाएंगे, तो बराबर बल हो गया, तो दोनों का जब बराबर बल हो जाएगा तो इसका मान क्या आएगा, एक अनुपात एक आएगा। अरे भाई अगर इन पे 50 का लगाएंगे तो ये भी कितना लगाएगा, 50 का लगाएगा, तो 50 बटे 50 का मान क्या होता है, एक अनुपात एक आएगा ना, यानी कि यह वाला आंसर आपका सही, तीसरा वाला याद रखना। ऐसे सवाल आएंगे तो करके आना 1:1 होगा। अब देखो आगे वाला क्या बोलता है बच्चा, आगे वाला क्वेश्चन बोलता है आपके सामने लिखा हुआ है दोस्त कि 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये 2015 में सवाल आ चुका है तो आपको बता दूं मैं, आपने पढ़ा है क्यू बराबर एन ही पढ़ा है, क्यू दिया है 8 कूलाम का, एन आपको निकालना है, और ई का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब यहाँ देखो एन का मान क्या आएगा 8/1.6 × 10⁻¹⁹ आएगा, यहाँ पे आएगा आप लिख सकते हो 80/16 कर सकते हो, ऊपर जाएगा तो 10 पे यहाँ पे 80/16 करने पर अगर देखा जाएगा तो 10 का गुणा ऊपर हुआ है और 10 का कहाँ हुआ है नीचे हुआ है, ये हो गया 80 और ये हो गया 16, और ऊपर जाएगा तो 10⁻¹⁹ जो था वो प्लस का 19 बन जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो कटेगा तो 5×10⁻¹ प्लस का 19 और क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि 5×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑप्शन नंबर जो पहला बिल्कुल सही है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आगे वाला कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है मित्र आपको, अगर बताया जाए तो आपको जानते हो आइए बराबर क्या होता है क्यू ही होता है, एफ का फार्मूला क्या बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की वजह से, तो यह बराबर क्या क्यू ही होता है, तो आप जानते हो ई बराबर क्या बन जाएगा एफ बाई क्यू बन जाएगा, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोलो आपका सही है। और ये सवाल 2015, 2016, 2017 में पूछे जा चुके हैं मित्र, तो ध्यान से देखना आप यहाँ पे। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, अगला वाला क्या बोलता है, अगला वाला क्वेश्चन जो बोलता है आपके सामने लिखा हुआ है, आप पहले कर सकते हो फिर बता सकते हो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इस सवाल बच्चों को अक्सर परेशान करते रहते हैं, तो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E बराबर अभी पीछे देख क्या है वो F by Q होता है, ये होता है न्यूटन पर कूलाम, मतलब पहला वाला क्या है वो सही है, पहला वाला क्या बोलो सही है। और अगर आगे देखा जाए तो E बराबर एक फार्मूला और होता है V by D होता है, बोल्ट यानी कि वोल्टेज के मैटर में होता है, तो ये होता है बोल्ट पर D दूरी है मीटर बन जाएगा, बोल्ट पर मीटर भी होता है। और ये बात अगर आपको और बताया जाए बच्चा, तो आपने पढ़ा है W बराबर क्या, W बराबर पढ़ा है वी क्यू पढ़ा है, और V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर बन जाएगा आपका E इंटू D बन जाएगा, V बराबर क्या बन जाएगा बोलो E इंटू D बन जाएगा, W यही रहने दो और यहाँ Q बन जाएगा, और इस E का मान क्या हो जाएगा, E बराबर W अपान ये बन जाएगा DQ बन जाएगा, W अपान क्या बन जाएगा बोलो
डी क्यू बन जाएगा। डब्ल्यू का होता है बच्चा आपका जूल होता है और डी का होता है मीटर और ये होता है कूलाम। जूल कूलाम, जूल पर कूलाम मीटर होता है, यानी कि डब्ल्यू बराबर वी क्यू से आप जानते हो वी बराबर यहाँ पे ईडी बन जाएगा और वी बराबर जब ईडी बन जाएगा तो क्यू गुणा करना पड़ेगा यहाँ से और ई बराबर क्या बन जाएगा डब्ल्यू अपॉन डी क्यू बन जाएगा। डब्ल्यू का होता है जूल पर मीटर कूलाम है तो कोई बात ही नहीं बनी यार, जूल पर मीटर कूलाम दिया हुआ है, जूल पर मीटर कूलाम, ये जूल पर मीटर कूलाम था, ये गलत ऑप्शन है, ये सही रहेगा, यानी कि जूल पर कूलाम इसका मात्रक नहीं होता है, जूल पर कूलाम यही वाला आंसर इसका होगा बेटा, यही वाला एक ऑप्शन गलत छप गया है, जूल पर मीटर कूलाम रहेगा आपका आंसर, ये वाला है जूल पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मित्र क्या बोलता है आगे वाला, बोल रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है तो इसके लिए आप जानते हो फ्लक्स फाइव बराबर क्या होता है, फाइव इक्वल टू होता है ई डॉट ए होता है और ई का मात्रक क्या पढ़ क्या है, वो ई का मात्रक पढ़ क्या है न्यूटन पर कूलाम और यहाँ एरिया का मीटर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम मीटर का स्क्वायर होता है बच्चा। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा जाए तो आप जानते हो ई का ये तो मात्रक है लेकिन यहाँ पे कहीं है ही नहीं यार, कोई बात नहीं, तो ई बराबर होता है वी बाय डी होता है और एरिया ये दिया हुआ है, इसका मात्रक होता है बोल्ट, इसका होता है मीटर, इसका होता है मीटर का स्क्वायर, एक मीटर कट जाएगा तो क्या आएगा बोल्ट मीटर आएगा, यानी कि आप देख सकते हो फाई का मात्रक क्या होता है बोल्ट मीटर होता है, बोल्ट इस्तेमाल हम रहेगा बोल्ट मीटर आएगा, ठीक है ना जी। ऑप्शन नंबर दो क्या है बोलो, बिल्कुल सही है, आपको समझ में चीजें आ रही है तो फार्मूले अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं मित्र, तो अगला सवाल लिखा गया है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के यहां पे रहेगा बच्चा व्युत्क्रमानुपाती, क्या रहेगा बोलो व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो आप जानते हो चार ऑप्शन लिखा है, बिंदु आवेश वैद्युत द्विध्रुव लिखा है, आवेश की अनंत समतल चादर लिखा है और रेखीय आवेशित तार लिखा है। तो आपको बता दूं ना बच्चा, बिंदु आवेश Q की वजह से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, तो अगर पूछा जाए यहाँ पे तीव्रता क्या बनेगी तो E एट पॉइंट P बराबर K Q अपान क्या r का स्क्वायर, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या 1 अपान r का स्क्वायर, यानी कि बिंदु आवेश की वजह से जो तीव्रता होती है आर स्क्वायर क्या होती है बोलो व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे मित्र, क्या बोलता है अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोला जा रहा है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाऊ का मान पूछा जा रहा है। टाऊ बराबर क्या होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है, टाऊ का फार्मूला क्या होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी ऑप्शन नंबर जो दो है बेटा बिल्कुल सही है, आप इनको याद कर सकते हो और चीजों को समझने के लिए आप लॉन्ग वीडियो हमारा देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो भाई अगला वाला क्या कह रहा है, अगला वाला कह रहा है बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है, एक गोले हैं यह ए है और यह बी है, दोनों का मास शुरुआत में क्या है बोलो बराबर है और कह रहा है एक गोले को आवेश प्लस क्यू दिया गया है। अच्छा बताओ यहां प्लस क्यू क्यों बना होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, जैसे मान लो ये कोई गोला है यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 10 क्या होंगे प्रोटॉन भी तो होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो आप कहोगे सर एक प्रोटॉन से चार्ज है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब प्लस बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हुए होंगे और यहाँ पे बोलता है इसको माइनस क्यू आवेश दिया गया है, माइनस क्यू आवेश देने का पर्पस क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, तो मतलब पूरी कहानी यह है आप समझ सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं और यहाँ से गए हैं तो इसका मास जो होगा ना बेटा मास ऑफ बी होगा वो बड़ा होगा किससे मास ऑफ ए से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो मास ऑफ बी बड़ा है मास ऑफ ए से, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहो और आगे ताकि मैं वीडियो आपके लिए और शानदार लेके आता रहूं और मैं जल्दी में चल रहा हूं ताकि आपका रिवीजन जल्दी होता रहे, रिवीजन हो रहा है ना इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं। और देखो यहाँ पे मित्र क्या कहता है अगला वाला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे दो बिंदु आवेश है और यहाँ पे जो बल लग रहा है एफ
न्यूटन का लग रहा है और बोलता है कि यदि आवेशों को कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल के क्या हो जाएगा। एक बार जान लो, जब इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा उसका जो परावैद्युतांक के रहेगा तो जो बल नेट वाला है वो के गुना घट जाएगा। याद रखना बल के गुना घट जाएगा, हमेशा याद रखना बल के गुना क्या होगा बोलो, घट जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन क्या, यानी कि यहाँ पे ए वाला सही है, बल के गुना घट जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही है और सवाल 2022 में पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन मित्र क्या बोलता है, अगला वाला कहता है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश कैपिटल ई तथा द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण क्या होगा। अरे भाई आप जानते हो ना, आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है और एफ बराबर एम आई होता है त्वरण निकालने के लिए, और क्यू बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ई हो गया, ए का मान पूछ रहा है, त्वरण का मान तो हो जाएगा ई बाई एम, ई बाई एम, ई बाई एम। ऑप्शन नंबर दो क्या बोला बेटा, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला वाला कह रहा है वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने से इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। कह रहा है भाई देखो भाई साहब ये लगा तो आए हो, ये अभी क्यों है, ये अभी क्यों है, यहाँ पे मान लो बल एफ लग रहा है, अगर यहाँ पे कोई परावैद्युत पदार्थ भर दोगे के कॉन्स्टेंट वाला तो जो बल होगा वह के गुना क्या होगा बोलो, घट जाएगा। तो यहाँ पे बल क्या होगा बोलो, घट जाएगा। मित्र ऑप्शन नंबर यानी कि दो सही है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, जो अगला वाला क्वेश्चन है ना मित्र वो अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, चांदी का परावैद्युतांक के होता है, तो चांदी क्या है, चांदी है मेटल, चांदी क्या है बोलो, मेटल, और मेटल के लिए परावैद्युतांक के का मान होता है इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर क्या है बोलो, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं देखो पहला वाला चैप्टर हो गया पूरा का पूरा खत्म, समझ में ऑप्शन ली में, और बाकी वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, समझ में चीजें आपको आ रही, मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना रिवीजन चल रहा है और आप बातों को रिवाइज कर रहे हो तो ये चलना पड़ेगा ना, ताकि आपको जल्दी सब कुछ खत्म हो जाए, आप बोर्ड एग्जाम टॉप करो। मेरी मनोकामना शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।